पाँच बजे से बाद कुछ थोड़ा भीड़ भाड़ होने का चांस है, लेकिन थोड़ा अभी कुछ कमी है। तो हम बात करते हैं, दिखाते हैं क्या कुछ खास है। क्या भैया क्या कर रहे हैं, बोलिए क्या रेट है? रेट तो अभी 70 से माल उस तरह नहीं लग रहा है क्या? माहौल उतना है नहीं, पर अगले साल 100 रुपया पीस, 100 में 100 लिया। कहाँ से लेके आए हैं सब माल? हम लकी कुंडी दुमका से लेके आए हैं। बनाते हैं अपने से कि फिर के? पापा बनाए हैं। कुमार है? हाँ। ना चाहेगा तो टीना लीजिए, आपको टीना में लगभग 1800 पड़ेगा, 1700-1800। कैसे था पिछले साल? ठीक था। कितने दिन से ये कर रहे हैं? मोटामोटी बहुत दिन हो गया, मोटामोटी 10-15 साल। बचपन से कर रहे? बचपन से कर। एक बात बताइए, जैसे कि बोला जा रहा है कि अभी मार्केट में चाइनीज सामान आने के बाद, जैसे कि इलेक्ट्रिक सामान बिजली में भर दिए और पूरा घर लगा दिए सज गया, तो उसके वजह से ये सब चीज़ दीपावली में दिया हुआ जो जलता था जो। अभी हम मौजूद दुमका के नीचे बाजार के वीर कुंवर सिंह चौक के पास, और आज आपको जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस है, धनतेरस का पहला दिन है और दीपावली का यहाँ पूरा खरीदारी चल रही है, पूरा बाज़ार भीड़ है और आ रहे हैं एकदम, मतलब खरीदारी करने के लिए इतना भीड़ है पूरा देख सकते। कसम साफ बाइक आना जाना, पैदल गाड़ी टोटो ऑटो बहुत कुछ है, इसे अपने तरीके से आना जाना कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कचरा का तेल बोला जाता है जो दीपावली में सबसे खास रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये तेल दे के मतलब दिया में और फिर जलाया जाता है, बढ़िया शुभ माना जाता है। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र कुमार। ये क्या है, ये क्या बोला जाता है? महुआ का तेल है। महुआ का तेल, कचरा तेल भी बोला जाता है? कचरा तेल भी बोला जाता है। क्या रेट है ये? 110 रुपया रेट है। 110 रुपया ये बड़ा, ये लीटर ये वाला। और ये 50 रुपये? कुछ कम बेसी कर देते हैं? हो जाता है, 10-5 होवे करे। कहाँ से लेके आए हैं सर? कुसुमदी से। ये दुमका में? क्या लगता है इस बार मार्केट कैसे लग रहा है आपको, कमाई उमाई होगा? ठीक, मार्केट तो अभी ठीक नहीं बुझा रहा है इतना। पिछले साल कैसे था? पिछले साल ठीक था। कितने दिन से ये कर रहे हैं? मोटामोटी बहुत दिन हो गया, मोटामोटी 10-15 साल। बचपन से कर रहे हैं? बचपन से कर रहे हैं। एक बात बताइए, जैसे कि बोला जा रहा है कि अभी मार्केट में चाइनीज सामान आने के बाद, जैसे कि इलेक्ट्रिक सामान बिजली में भर दिए और पूरा घर लगा दिए सज गया, तो उसके वजह से ये सब चीज़ दीपावली में दिया हुआ जो जलता था, जो कुमार का बनाया हुआ रहता था, वो सब बहुत कम यूज होने लगा। सही बात है क्या? मोमबत्ती आके कम यूज होने लगा। मोमबत्ती प्लस इलेक्ट्रॉनिक, जैसे सब भी पूरा घर में लगा दिया। घर में पहले होता था क्या, दिया पूरा घर घर में रखते, घर जगह में रखता था जी, वो चीज़ अभी नहीं रह रहा, थोड़ा कम हो गया। 101 अभी तक देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा कस्टमर थोड़ा कम है, इसलिए शायद हमको हमको लग रहा है कि आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है बेचने में। वो तो है, अभी भीड़ कम है इसीलिए। कल? हाँ कल देख सकते हैं, खुश नहीं है उतना, लेकिन मतलब जो होना चाहिए वो नहीं है, देख सकते हैं। बात करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं, इधर देख सकते हैं, उधर कुछ और ज़्यादा फिर, और इधर भी है एक छोटा भाई है। क्या 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 लग रहा है, मार्केट थोड़ा डाउन है क्या? नहीं भी, अभी स्टार्टिंग दिन है आज को, अभी धनतेरस है, अब देखते हैं, अभी 2 दिन और होगा, कल परसों। क्या लगता है मार्केट ठीक ठाक चलेगा? देखिए अब तो ठीक ठाक होना चाहिए, आगे पूजा का बाजार है बस। कितना का बेच लिया अभी? वही लगभग 4-5 हज़ार तक। 4 हज़ार तक बेच लिए, सुबह से बैठे हैं? हाँ सुबह से, सुबह 3 बजे भोर में आए हैं। 3 बजे तब जगह मिला? जगह नहीं मिलता था? नहीं जगह नहीं मिलता है ना, ताकि ये जगह थोड़ा बढ़िया है क्योंकि यहाँ थोड़ा हाईलाइट आता है, हाईलाइट है क्योंकि सामने मार्केट है। अच्छा एक बताइए, ये छोटा वाला जो है क्या रेट पड़ेगा इसका? उसका 30 है भैया, लेकिन 25 रुपया लगेगा। 25 रुपया? हाँ। बड़ा वाला जी 100 है। इसके बाद इससे भी छोटा है उसका 50। मान लो टीना ही पूरा खरीदना चाहेगा तो? टीना लीजिए, आपको टीना में लगभग 1800 पड़ेगा, 1700-1800। जितना भी दर्शक है मेरा, मतलब लगता है कि यहाँ दुमका के हैं, दुमका में आके लेना चाहेंगे तो आइए और लेइए यहाँ पे वीर कुंवर सिंह चौक के पास। एकदम प्योर है, कोई दिक्कत नहीं, मिलावट कोई मिलावट नहीं इसमें, फुल गारंटी के साथ, अगर नहीं चलेगा तो आप वापस कर सकते हैं, गारंटी पर एकदम फुल गारंटी। देख सकते हैं भैया बोल रहे हैं कि प्योर है, पूरा गारंटी दे रहे हैं, कुछ मिलावट नहीं है, अगर मिलावट मिल गया तो हम उसका गारंटी ले रहे हैं, कुछ गलती है तो उसका मतलब ये भरपाई करेंगे। आगे है इधर दिया है, उन दिया है, जानते हैं, जानने कोशिश करते हैं क्या कुछ रेट है यहाँ पे। अभी मार्केट तो उतना खास नहीं, इसलिए बात कर लेते हैं। 5 बजे से बाद कुछ थोड़ा भीड़ भाड़ होने का चांस है,
लेकिन थोड़ा अभी कुछ कमी है, तो हम बात करते हैं, दिखाते हैं क्या कुछ खास है। क्या भैया क्या कर रहे हैं, बोलिए क्या रेट है? रेट तो अभी 70 से 80 जा रहा है। कैसे ये 70 कितना पीस? 70-80 में 100 पीस दिया आ रहा है। 70-80 माल उस तरह नहीं लग रहा है क्या? माल उतना है नहीं, पर अगले साल 100 रुपया पीस, 100 में 100 लिया। कहाँ से लेके आए हैं सब माल? हम लकी कुंडी दुमका से लेके आए हैं। बनाते हैं अपने से कि फिर के? पापा बनाए हैं। कुमार है? जैसे कि बोला जाता है कि कुमार में मतलब ये सब चीज़ बनाने का थोड़ा कम हो गया पहले जैसा? पहले कम हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारा मेहनत है। जैसे मैं खुद कुमार हूँ, मैं खुद ये काम नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि मार्केट में तो शायद मशीन फरवा वाला मिल जाता है। मशीन फरवा वाला मिलता है लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं है। लेकिन आप लोग हाथ से जो बनाते हैं बढ़िया बहुत बढ़िया है। क्या लगता है कि पिछले साल से मार्केट इस बार अच्छा चलेगा? मुश्किल है क्योंकि माल बहुत ज़्यादा आ गया है दुमका में। हाँ, बाहर से ही बन के आ गया है। लोकल का थोड़ा बिक्री वाला, यहाँ का लोकल वाला ये काम छोड़ रहा है लेकिन बाहर वाला काम नहीं मिलता, यही काम अपना रहा है। क्या भैया क्या लगता है मार्केट कैसे लग रहा है आपको? मार्केट तो इधर थोड़ा डाउन लग रहा है। और क्या लगता है बिक्री नहीं होगा? आपका रेट कैसे है? हमारा रेट अभी 70-80 चल रहा है। 70-80 में 100 पीस दे रहे हैं? जैसे 70-75-80 में छोड़ देते हैं 100 पीस। जैसे देखते माल माहौल, जैसे इंसान देखता है कि दुकान जो है मन से ज़्यादा आ गया, बाहर से माल आ गया है। हम लोग का बिक्री थोड़ा कम हो गया। कम देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग का थोड़ा मतलब ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि बाहर से माल आ चुका है। ये लोग बहुत मेहनत करके बनाते हैं लेकिन उस तरह का दाम नहीं मिल पाता है। और भी इधर है दिखाते हैं, इधर थोड़ा ज़्यादा बिक्री इधर हो रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ जो महिलाएँ हैं उनसे बात करते हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं सब? लकी कुंडे। क्या रेट है? 80 रुपया। बिक्री विक्री हो रहा ठीक ठाक? देख सकते हैं खुश नहीं है। आगे इस तरह आपको दिखाते रहेंगे। बढ़िया से धूमधाम से मनाइए दीपावली। और धनतेरस में क्या कुछ खरीद रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए जवाहर गांव।